बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइफ हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जी, सऊदी अरबिया वीज़ों को लेकर, यानी कि जो मेरे भाई छुट्टी पर गए हुए थे, और आपको पता है कि आपकी छुट्टी इकामा विजिट वीज़ा फैमिलीज वीज़ा इस माह की यानी कि अगस्त की 31 तारीख तक बढ़ाए गए हैं। अगर तो फ्लैट्स खोली गई इस माह में तो आप भाई सऊदी अरब में इंटर हो जाएंगे। अगर नहीं खुलती हैं तो आपके इकामे वगैरह बढ़ा दिए जाएंगे। अगर नहीं बढ़ाए जाते हैं तो फिर भाई आप सऊदी अरबिया में नहीं आ सकेंगे। तो अभी कुछ वीजों को लेकर, यानी कि कुछ वीजों की मियाद भाई बढ़ा दी गई है। वो कौन से हैं मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर देता हूं, और क्या इस चीज से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, तमाम तरह डिटेल आप भाइयों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर देता हूं। मैं यहां पर आपको भाई मैं एक स्क्रीन शॉट दिखा रखा हूं सऊदी गजट की तरफ से। यह कंफर्म न्यूज है जी, वैलिडिटी ऑफ विजिट वीजा ऑफ पीपल फ्रॉम कंट्रीज फेसिंग ट्रेवल बैन एक्सटेंडेड टेल सितंबर 30। जी मेरे भाई, उन ममालिक को कहा गया है जिनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं सऊदी अरेबिया के लिए, उन ममालिक के बंदों के विजिट वीज़ा वाले अफराद हैं जो उनके भाई वीज़े 30 तारीख तक, सितंबर 30 नौवें माह की 30 तारीख तक बढ़ा दिए गए हैं। इनमें इकामा होल्डर या छुट्टी वगैरह नहीं बढ़ाई गई है, ना ही इकामे बढ़ाए गए हैं। यानी कि जो लेबर जो वर्क के तौर पर काम करते हैं मेरे भाई, उनके वीज़े नहीं अभी बढ़े हैं, ना तो छुट्टी उनकी बढ़ी है। और अभी बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक। तो भाई अगर इकामा वालों बंदों के इकामे नहीं बढ़े हैं, छुट्टी वाले बंदों की छुट्टी नहीं बढ़ी है, तो भाई ये बात सिंपल और साफ है कि अभी भी चांस हैं सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लैट्स अगस्त में ही बहाल हो जाएं। अगर नहीं खोली जाती हैं तो फिर भाई आपके इकामे आपकी छुट्टी भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी जाएगी, जैसा कि अभी शुरुआत कर दी गई है विजिट वीज़ा वालों से। तो हो सकता है भाई कल या एक या दो दिन में इकामा होल्डर छुट्टी होल्डर भाइयों के लिए भी ऐलान कर दिया जाए कि आपकी छुट्टी आपका इकामा भी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया जाएगा।